हे गाइज, वेलकम बैक। और दोस्तों, मैं आपको जैसे कल बोला था कि हमारे लिली का हमारे सेटअप में कल लास्ट डे है, तो यार हमारे लिली का लास्ट डे था कल, तो आज भी हमारे सेटअप में से जाने वाली है। ठीक है, अभी बहुत सारे भाइयों को पता नहीं है कि हमारे लिली कहाँ जाने वाली है। ठीक है, तो ली जाने वाली है मेरे दोस्त के फार्म में, जैसे कि मैंने पहले विजिट किया है। बहुत सारे भाइयों को पता होगा, बहुत सारे भाइयों को नहीं पता होगा। अभी दोस्तों, मुझे बहुत सारे भाई क्वेश्चन करेंगे कि भाई आपके पास तो इतनी बड़ी स्पेस है लिली के बच्चों के लिए और लिली के लिए, और आप क्यों दे रहे हो भाई लिली को। ठीक है, तो मैं वहाँ पे क्यों दे रहा हूँ यार, अभी यहाँ पे तो इनको पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट हम नहीं दे सकते, तो वहाँ पे कैसा है ना भाई, पूरा फार्म है उसका, और फार्म में हमारे लिली की बेबीज वहाँ पे जल्दी जल्दी बड़े होंगे। ठीक है, अभी क्या करती ना यार लिली, यहाँ से सीधा जंप करती ना, यहाँ से पूरे रूम में घूमते रहती है। ठीक है ना, और इसी की वजह से मैं उसको दे रहा हूँ भाई। लिली ने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी यार, हमारे जो वॉल स्टिकर हमने लगवाए थे ना, ये देखो भाई पूरा का पूरा हमारे लिली ने खराब कर दिया। कोई नहीं यार, नया बेटा लेंगे अपन। लिली तेरा आज यहाँ पे आखिरी डे है। ठीक है ना, लिली को पता नहीं यार, लिली तो बहुत अच्छी जगह पे जाने वाली है। तो चलो दोस्तों, अभी मैं आपको मिलता हूँ सीधा फ्रेंड के फार्म पे। तो दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ मेरे दोस्त के फार्म पे, और यहाँ पे देख सकते हैं यार कितनी सारी मुर्गियाँ हैं। ठीक है ना, ये देखो भाई कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैंने यहाँ पे हमारे जो लिली ना, मैंने उसको छोड़ दिया यहाँ पे। तो देखो यार, ये एक दूसरे से अभी पहचान बना रही है, जैसे पहचान बन जाएगी हमारे लिली की, बहुत अच्छे यहाँ पे दोनों के दोनों। ये देखो भाई, बच्चे तो घुल मिल चुके हैं भाई दूसरे बच्चों के साथ। अभी मुझे एक ही डर है यार, इन्होंने अच्छा रहना चाहिए साथ में, साथ में तो रहेंगे यार। तो ये देखो भाई, ये सारी मुर्गियाँ अभी अंदर बुला रहा है भाई, भाई को बोला कि अभी सारी मुर्गियाँ अंदर बुला लो एक बार। तो ये देखो भाई, सारी मुर्गियाँ एक ही झटके में आ गई भाई अंदर। ये देखो, अभी इनको दाना पानी कर देंगे। और दोस्तों, मैं जैसे ही अभी बाहर आऊँगा ना, तो यहाँ का आप पूरा क्लाइमेट वगैरह देख सकते हो, यहाँ की जगह देख सकते हो भाई, पूरा खुला प्लेस है। ठीक है ना, और लिली यहाँ पे जी भर के उसको जितना घूमना है उतना घूम सकती है यार। ठीक है ना, और बहुत जल्दी हमारे लिली के बेबीज जल्दी जल्दी बड़े भी हो जाएंगे। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे अभी हमने पानी वगैरह रख दिया इनके लिए, और लिली देखो यार अभी बच्चों के पास जा रही है फिर से, और ये थोड़े थोड़े अभी अलग रहेंगे दूसरी मुर्गियों से, बचेंगे ये, एक दूसरे को पहचानने लगे तो ये अच्छे अच्छे साथ में ही रहेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो लिली कैसे खेल रही है यार मिट्टी में। देखो यार, मैं यही देखना चाहता था, और अभी उसको बच्चों को भी सिखाएगी कि भाई ये देखो कैसे खेल रही है, भाई साहब उसका बेबी भी खेल रहा है यार। चलो यार, अभी मैं लिली को बाय बाय बोलता हूँ, और बहुत जल्द हम लिली को मिलने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, आपके लिए हफ्ते वगैरह देखेंगे। और दोस्तों, यहाँ का आप क्लाइमेट देख सकते हो यार, पूरा का पूरा खुला ही खुला है भाई। ठीक है ना, लिली के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी स्पेस है भाई घूमने के लिए, ये यहाँ पे भी घूम सकती है, और पूरा जंगल का एरिया है भाई। लिली के बेबी बहुत जल्दी यहाँ पे ग्रोथ पकड़ेंगे और बहुत जल्दी बड़े होंगे। तो ना दोस्तों, अभी जस्ट मैं शाम की फीडिंग करने के लिए हमारे फिशेज को ऊपर आया, और यहाँ पे मुझे एक बैड न्यूज़ भी मिली और एक हैप्पी न्यूज़ भी मिली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हैप्पी न्यूज़ दे देता हूँ यार, क्योंकि बच्चों को जल्दी जल्दी हमें साइड में करना होगा। तो हैप्पी न्यूज़ ऐसी कि हमने ये अभी जो मैंगो मॉली फिश ऐड की थी, तो उस वाले पॉन्ड में हमें छोटे छोटे बेबी, तो ये वाले दे सकते हो 1-2 बहुत सारे यार, ये इधर भी है, इधर भी, इस कोने में भी, और इधर भी मटकियों में। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, इनको जल्दी जल्दी मैं साइड में कर लेता हूँ, नहीं तो यार हमारी ये मॉली फिश है उनके ऊपर अटैक कर देगी यार। तो चलो, तो यार दोस्तों, ये हमारे एक्वेरियम जाली के देख कर क्या हाल हो चुके, तो हमें जल्दी से जल्दी अभी पेट शॉप जाना है यार, कुर्ला मार्केट, हम तब वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करनी है यार, हमें नेट वगैरह भी ऐड करनी है। ये देख सकते हो यार, पूरी फट चुकी है, क्योंकि ना ये धूप में ही रहती ना, पूरा दिन धूप में पड़ी रहती। तो चलो जल्दी जल्दी मैं निकाल लेता हूँ यार। तो ना दोस्तों, मैंने यहाँ से कंप्लीट 15 बेबी फिश निकाले यार, ये देख सकते हो कितने क्यूट है यार। यार इनका पैटर्न बहुत ही अलग है, बट ना ये हमारे मैंगो मॉली फिशेज के हमें बेबीज नहीं लग रहे यार, क्योंकि मैंने ये ना यहाँ पे दो तरह की मॉली छोड़ी, एक चॉकलेट मॉली है और एक मैंगो मॉली है। तो मुझे ना ये चॉकलेट मॉली के बेबीज लग रहे, क्योंकि मैंगो मॉली का रहता है तो पूरा ऑरेंज बेबी रहता, और चॉकलेट मॉली जैसे लग रही है। देखो ये इनका पैटर्न वगैरह, तो ये चॉकलेट मॉली के ही बेबीज है हमारे। तो दोस्तों, अभी बैड न्यूज़ भी सुन लो यार। तो बैड न्यूज़ ऐसी ही कि मैं अभी जस्ट फीडिंग देने के लिए ऊपर तो आया यार, पहले तो मैंने बेबीज देखे, उसके बाद मैंने अच्छे से बारीकी से देखा, तो यहाँ पे हमारे एक चॉकलेट मॉली, सॉरी हमारे एक मैंगो मॉली ऐसी कि उसको यार डिसीज़ हुआ है, मतलब वाइट स्पॉट्स का डिसीज़ हुआ है। तो यार हमें उसको जल्दी जल्दी साइड करना है, क्योंकि एक ही मॉली यार, सारी मॉली हमारी क्लियर है, बाकी एक ही मॉली तो अभी छुप गई है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, उसको जल्दी जल्दी पकड़ लेता हूँ, और हम उसकी ट्रीटमेंट तुरंत चालू कर देते। तो उसको पकड़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, हमारे सारे बेबीज उठाकर मैं इस वाले टब में छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा ग्रीन वाटर है, और बेबीज यहाँ पे जल्दी जल्दी ग्रो होंगे।
तो दोस्तों मैंने अभी जस्ट उस स्मॉली फिश को पकड़ लिया जो कि इसके पूरे व्हाइट स्पॉट आ चुके हैं। तो अभी हमें इसे जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। ये देखो यार, ऐसे कुछ इसको व्हाइट स्पॉट आए हैं, ये देखो पूरा का पूरा व्हाइट हो चुका है स्मॉली फिश ऊपर से। तो ना दोस्तों, अभी हम इस टैंक में उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं ब्लू लिक्विड हीटर और जो एक्वेरियम सॉल्ट होता है वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरी और पेट शॉप वाले अंकल की अभी बात हुई कि यार इसको ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट देनी है तो आपके व्हाइट स्पॉट जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। तो अभी मैं जल्दी जल्दी पानी भी चेंज कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहले था फाइटर फिश, उसको भी यार डिसीज हुआ था, ड्रॉपसी लेकर ऐसा कुछ डिसीज था, तो इसी की वजह से हमें इसको पानी फेंक देना होगा और उसे हम न्यू ऐड पानी कर देते हैं। तो अबे यार, अभी लाइट चली गई जस्ट। तो ना दोस्तों, मैंने ना यहाँ पे हीटर ऐड कर दिया और ब्लू लिक्विड भी ऐड कर दिया और एक्वेरियम सॉल्ट भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारे मॉली फिश के अभी हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए, तो बहुत जल्द हमारी मॉली फिश ठीक हो जाएगी यार, सारे भाई प्रे करो। तो दोस्तों, अभी बाहर अंधेरा हो चुका है और हमारे सारे पिजन्स घूम फिर कर आ चुके और मैंने उनको बंद भी कर दिया। तो ना दोस्तों, मुझे बहुत सारे भाइयों के सजेशन आए हमारे प्लांटेशन टैंक को लेकर, ठीक है। तो बहुत सारे भाई मुझे कह रहे कि भाई आपने प्लांटेशन टैंक अपने सेटअप में किया तो बहुत अच्छा किया, और बहुत सारे भाई को अच्छा भी लगा और बहुत सारे भाइयों ने मुझे अच्छा सजेशन दिया। तो बहुत सारे भाइयों के सजेशन मुझे ऐसे आए कि आपने टैंक बनवाया बट इसमें आपने बहुत ज़्यादा प्लांट लगा दिए, ठीक है। तो और एक भाई का सजेशन भी आया कि आपके ये जो पुराने पत्ते भाई ये सारे के सारे आपको निकाल देने चाहिए, नहीं तो आपके प्लांट्स अच्छे ग्रो नहीं होंगे, हो गए बट धीरे धीरे हो गए यार, ठीक है ना, तो इतना अच्छा नहीं होगा यार। तो ना दोस्तों, मैंने हमारे प्लांटेशन टैंक को अच्छे से देखा, अच्छा सा मैंने इसके ऊपर स्टडी किया, तो भाई मैंने सोचा कि यार यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो जा रहे हैं यार एक ही जगह पे, ठीक है ना, और इतना अच्छा लुक भी नहीं दे रहा है बट इतना भाई सेटिस्फाई वाला लुक नहीं दे रहा यार। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ से हम 50% प्लांट निकल कर इस वाले टैंक में ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यार इस वाले टैंक में हमारी आने वाली है एंजल फिश जो कि हमारी पोलर पैरेट से पुरानी वाली, हम सारे के सारे निकालने वाले हैं। अभी मैं एक्वेरियम शॉप वाले भाई से मेरी और उनकी बात चल रही है पोलर पैरेट्स को लेकर, और बहुत जल्द हमारी पोलर पैरेट्स उधर जाने वाली एक्वेरियम शॉप पे, ठीक है। तो उसकी जगह पर हम लाने वाले हैं हमारे सेटअप में एंजल फिश, ठीक है। तो यार मैंने सोचा कि यार एंजल फिश का टैंक तो इसे हम खाली तो नहीं रख सकते यार, तो मैंने सोचा कि यार उसको कुछ प्लांटेड किया जाए, और यहाँ पे हमारे टोटल 30 प्लांट्स है, 30 प्लांट्स में से हम 15 प्लांट्स यहाँ से उठाकर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, मतलब यहाँ पे भी कम ही हो जाएगा और हमारे प्लांट्स ग्रो होने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जल्दी जल्दी भी ग्रो हो गए। अभी हमें जो सिंपल सा क्या करना है, ये जितने भी पुराने पत्ते में निकल कर इनको फिर से सेट कर देते और यहाँ से 50% प्लांट निकल कर यहाँ पे सेट कर देते, तो चलो यार जल्दी जल्दी करता हूँ मैं। तो यार दोस्तों, अभी मैं आपको कंप्लीट 2 घंटे बाद मिल रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे 2 घंटे लग गया इस काम को। तो यहाँ पे मैंने हमारा टैंक पूरा मतलब पूरा का पूरा प्लांट से निकाल दिया यार, बट मैंने क्या किया, सारे जो पुराने पत्ते थे और जो पुराने पत्ते में से जो मतलब जो ख़राब थे ना यार, मैंने सारे के सारे निकाल दिए, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे जो प्लांट्स से अभी लगा दिए उनके रूट्स और जो नया पत्ता निकल रहा है तो वो मैंने यहाँ पे अभी ऐड कर दिए। तो अभी देखेंगे यार 1-2 दिन बाद ये कैसा दिखता है, ठीक है। एक ये वाला हुआ और ये वाला हमारा सेकेंड ये हो गया, ये रहेगा हमारा एंजल फिश का टैंक सेटअप। अभी फिलहाल के लिए तो ये पानी ब्लर दिख रहा है, ठीक है ना, 1-2 दिन बाद ये पानी पूरा बैठ जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे हमारी फिश लेके आएंगे। तो ये हमारा एंजल फिश का हो गया और यहाँ पे और सेनेगली रहेगी, और ये है हमारा चिलचिड़ का सेटअप, ठीक है, चिकलेट फिश सॉरी, हमारे जो सिकलेट फिश आने वाली है तो उस टैंक में रहने वाली है, और यहाँ पे हमारे एंजल फिश रहने वाली है। तो इसी के साथ दोस्तों, आज का वीडियो हम एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।